हजूर। हाँ कहो सालतोक। गजल खातून आपसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ बातें करनी है, अगर आपको जहमत ना हो तो आ जाएं। हजूर आयगुल खातून का तबीब आ गया है। आने दो उन्हें। दुनदार साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। खुश आमदीद तबीब साहब। शुक्रिया हुजूर, आपने मुझे याद किया तो मैं फौरन आ गया। मरीजा मेरी बेटी है, मैं शिफा की उम्मीद अल्लाह के बाद आपसे रखता हूं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हुजूर। इंशाल्लाह। तुम इन आयगुल के पास ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। जो भी कर सकते हैं करें, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। रुक जाओ आयकुल, सीधी बैठो। रहने दे। अपनी नजरें इस पर रखो और देखो इसे। शाबाश। मैं गिर गई थी कल, हर वक्त गिर जाती हूँ, लेकिन जब गिरती हूँ तो भाई आ जाते हैं। तुम्हारे भाई कहाँ हैं? वो शहीद हो गया है। बुरी खबर है फिर। आपको क्या लगता है जनाब, क्या कोई उम्मीद नहीं? अल्लाह से उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये बुरी तरह लरस चुकी है। ये ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। मैं इसके लिए दवाई लाया हूं। वो सिर्फ इसी को नहीं बल्कि वो दवाई आपके दिल को भी शिफा देगी। मैं आपकी बेटी की दवा है और इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह राजी हो आपसे। लेकिन ऐसा है कि पहले हमें कुछ बात कर लेनी चाहिए। आखिर तुम हो कौन, किसके लिए काम करते हो? क्या मतलब किसके लिए काम करता हूं? अहम तो आपके लिए आपकी बेटी है। इसके बाद मैं आपके अंदर इंतकाम की आग देखता हूं। अब वक्त आ चुका है कि आप इंतकाम लें सबसे। फिक्र ना करें, मैं आपकी बेटी के लिए दवा पूरी तवज्जो से तैयार करूंगा। और जहां तक बात है कि मैं किसके लिए काम करता हूं, आपकी बेटी की सेहत और उस्मान से आपका इंतकाम लेना, ये दोनों ही आपके लिए शहजादी सूफिया की तरफ से तहाई है। सूफिया, ज़िबा करने से पहले उसकी खुराक में ये डालते हैं। ये जहर जानवर के खून और गोश्त में बस जाएगा। ये सिर्फ जानवर को ही नहीं मारेगा बल्कि जो उसके गोश्त की दावत उड़ाएंगे वो भी मर जाएंगे। वो जानवरों को और आप उन्हें कुर्बान करेंगी और आज रात आप अपना इंतकाम लेंगी। साथ ही
धुंधार साहब कबीले की भागदौड़ संभालेंगे।